भाई मजा आ गया तो। एकदम मजा आ गया एकदम। पूरा बहुत पैसा है, एकदम फूल हो गया। हेलो मित्रों, तो जैसा कि मैं अब जो है कि गदौलिया चौक की तरफ आ चुका हूँ और देखिए यहाँ पे हरी वस्त्रालय है, यहाँ बहुत सारी वस्त्रालय की दुकान है, तो यहाँ से आप जो है कि वस्त्रों का परचेज कर सकते हैं। और मैं अभी आपको गदौलिया चौक दिखाऊंगा, गदौलिया चौक का लुक दिखाऊंगा आपको, और बताइए देखकर आपको कैसा लगा। देखिए तो मैं फिर से गदौलिया मार्केट में आ गया हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं अगल बगल किस प्रकार से चीज़ों का वितरण हो रहा है, बेचा जा रहा है और किस प्रकार से हर दुकान के सामने उसका बैनर लगा दिया गया है, उसका नाम लिखा गया है उस दुकान का। देख सकते हैं किस प्रकार से गदौलिया चौक है और कितना भीड़ है यहाँ पे। ये आपको देख करके कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोडों किनारे पे यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए थी, गाड़ियाँ यहाँ पे रहेगी जब लोगों की संख्या बढ़ जाएगी तो धक्का मुक्की होगी, और टू व्हीलर जो पार्किंग लगाई गई है तो गाड़ियों को वहाँ पे खड़ा करना चाहिए और इस पर पुलिस को जो है कि सोचना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि साड़ियाँ सबसे अधिक बिकती हैं गदौलिया मार्केट में, साड़ियों की दुकान सबसे अधिक है, तो यहाँ पे आप सबसे अच्छी और बेस्ट साड़ियाँ खरीद सकते हैं। और यही रूट जो है कि आपको दशाश्वमेध घाट की तरफ लेकर जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो मित्रों, तो ये देखिए गदौलिया मार्केट और उसके अगल बगल रोड पटरी पे बिक रहा सामान, आपको देखकर कैसा लग रहा है कमेंट करके बतलाएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपका खाने के लिए 80 रुपये में भरपेट भोजन मिल जाता है यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए गदौलिया साइड की जो दुकानें हैं वहाँ यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे महादेव के नाम का टी शर्ट भी बिकता है, तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए टैटू का दुकान भी है, हरेश बार्बर शॉप, यहाँ अगल बगल बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे पीतल की तांबे की चीज़ें बिक रही हैं, तो ये सब देखकर आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए। थोड़ा ब्लैक भी दिखाई दे रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। Oh,
का।